हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज़ संगीता मेहता एंड यू वाचिंग माय चैनल माय इंग्लिश मैगजीन। टुडे आई एक्सप्लेन टू यू अबाउट द टेंसेस, व्हाट इज द टेंसेस एंड आई एक्सप्लेन दिस इन हिंदी बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स वांट्स टू मैम प्लीज टीच द टेंसेस इन हिंदी। ओके, हमारे द्वारा बोले गए वाक्य को सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल इसमें देती हूँ, जो हम सेंटेंस जो हम वाक्य बोलते हैं वो क्या है, वो सेंटेंस है। तो एग्जांपल में मैं आपको बताती हूँ, जैसे राम खाना खाता है, वे स्कूल जाता है, ये सब सेंटेंस हैं। ठीक है, ये तो वाक्य है तो ये सेंटेंस है, जो किसी भी प्रकार का हो सकता है सेंटेंस कहलाता है, चाहे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस। अब टेंस कितने प्रकार के हैं, टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तो दीज आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और इनके आगे भी है, सब पार्ट्स भी हैं इनके। अब जैसे ये मैं आपको बता रही हूँ, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है हो, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। वर्तमान काल वो होता है जो सब अभी चल रहा है, जैसे राम स्कूल जाता है, सीता सुबह से खाना बना रही है। इस वाक्य में बात समय के अनुसार जो समय अभी चल रहा है, ना कि बीता हुआ, तो समय के अनुसार बात चल रही है, तो वो प्रेजेंट टेंस कहलाती है। अब जैसे मैंने आपको बता दिया, अब इसी तरह पास्ट क्या है, तो जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस के लास्ट में ता था, ती थी, ते थे वो, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। ये जो सेंटेंस हैं पास्ट का हो तो तथा समय से पहले हो चुका हो, जैसे राम स्कूल जाता था, जो बात हो चुकी है, ठीक है, जिसमें था लग गया, राम स्कूल जाता था, सीता सुबह से खाना बना रही थी, इस वाक्य में बीता हुआ समय की बात चल रही है, तो इसे हम पास्ट टेंस कहते हैं। अब जिस सेंटेंस के अंत में, लास्ट में, जिस सेंटेंस के लास्ट में, जिस सेंटेंस के अंत में गा, गी, गे हो, उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। राम स्कूल जाता होगा, सीता सुबह से खाना बना रही होगी, इस वाक्य में बात फ्यूचर की, मतलब फ्यूचर की चल रही है, जिसका हमें कंफर्म नहीं, मतलब हमें जिसे जिसका हमें कंफर्म नहीं रहता है, ये जिसका हमें कोई भी कल्पना नहीं है, वो फ्यूचर टेंस है, जिसके बारे में नहीं जानते हैं हम, कल्पना में है, मतलब वी आर इन होगा। अब इस तरह से टेंस रूल, अब हम टेंसेस के कुछ रूल बताएंगे। टेंस समय के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं और इसके रूल्स हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ इस टेबल की हेल्प से, जो प्रेजेंट टेंस है उसमें लास्ट में ती है, ती हूँ, ती है, ये लगा है, और अब मैं आपको इसके आगे के पार्ट्स भी साथ साथ थोड़े से डिस्कस करती हूँ।
तो वो इनडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस जो है वो सिंपल है, सिंपल सेंटेंस है, साधारण है। मैं खेलता हूँ, अब ये क्या है, अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, इसमें नेगेटिव कुछ नहीं है। मैं खेलता हूँ मीन्स पॉजिटिव है, एफर्मेटिव है और इनडेफिनिट टेंस है। कौन सा, प्रेजेंट का, मैं नहीं खेलता, ये है नेगेटिव प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। क्या मैं बोलता हूँ, इंटरोगेटिव प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। मैं क्यों खेलता हूँ, तो इस तरह से ये जो सेंटेंस है इसमें हमने कुछ बातें नोटिस की, कौन कौन सी, कि एक सेंटेंस को, एक टेंस को हम कुछ प्रकार में और भी आगे डिफाइन करते हैं, जैसे कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, इंटरोगेटिव है, तो वो कैसा सेंटेंस है, तो उसके बारे में भी मैं आपको बता रही हूँ। ये चार तरह के सेंटेंस बताए गए हैं, इसलिए हम फिर से एक एग्जांपल में इसको बताती हूँ मैं आपको। जैसे थैंक यू वेरी मच।